हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर होता है बेसिक सा, और जो क्लैमीटर होता है। दोस्तों बेसिकली एसी डीसी क्लैमीटर है, तो इसके डिफरेंस के बारे में आज आपको बताएंगे। तो आप बेसिकली जानते होंगे कि जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसको, इसका जो प्रोब्स है इस प्रोब के मदद से मेजर किया जाता है, और जो क्लैमीटर है इसको एक वायर पे डाल के आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको छोड़ के आपको बहुत सारा जो मल्टीफंक्शनल फीचर्स है और उसका डिफरेंस है वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसको बनाया जाता है कि ये छोटा से छोटा एम्पियर और इसका जो वोल्टेज है वो मेजर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसका आप देखोगे इधर रेटिंग है मिली एम्पियर और मिली वोल्ट पे, लेकिन दोस्तों आप क्लैमीटर में जाओगे तो ये मिली वोल्ट और मिली एम्पियर नहीं मेजर कर सकते। यानी कि मेजर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगा जो इस मल्टीमीटर से आपको मिल जाएगा। तो आप लेबोरेटरी में काम करते हैं और कोई सर्किट वगैरह टेस्ट करते हैं तो आपके लिए ए मल्टीमीटर आपको बेस्ट रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमारा जो सर्किट होता है, यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप लाइन पे उसको ब्रेक करके आप इस मल्टीमीटर से पैरेलली उसका एम्पियर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लैमीटर में आपको सर्किट ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप क्लैमीटर इजिली एक वायर पे डाल के उसका एम्पियर फ्लो चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एम्पियर का और इस क्लैमीटर का और एक फायदा है कि आपका जो कोई भी मोटर हो, एसी और डीसी कोई भी मोटर हो, वो स्टार्टिंग में कितना आपका एम्पियर ले रहा है और जो रनिंग कंडीशन पे है तो उस समय कितना एम्पियर ले रहा है, तो आप इधर से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई मोटर पहले स्टार्ट होता है तो उसका ज्यादा वाट लेता है, यानी कि एम्पियर लेता है, और जब रनिंग कंडीशन पे होता है तो उसका जो एम्पियर फ्लो वो दोस्तों एक स्टेबल कंडीशन पे, यानी कि उससे कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये डिजिटल मल्टीमीटर में आपको नहीं मेजर कर सकते, लेकिन दोस्तों ये डिजिटल मल्टीमीटर से आप नहीं मेजर कर सकते, यही एक प्रॉब्लम है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस डिजिटल मल्टीमीटर में आपको देखोगे तो बहुत सारा फंक्शन दिया जाता है, यानी कि डीसी वोल्ट हो, एसी वोल्ट हो, और इधर कैपेसिटेंस चेक करने के लिए है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, यानी कि बहुत सारा मल्टीफीचर फंक्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इस कैमेटर में ज्यादा फंक्शन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इधर आप एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और कॉन्टिन्यूटी चेक और फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए सर फीचर्स दिया जाता है। दोस्तों, आप आते हैं जो प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि आप वो जो योलो वाला है ना उसको छोड़ के आप ज्यादा से ज्यादा यानी कि 500, 600 यानी कि 700 तक जाओगे तो इस मल्टीमीटर के आपको एक फ्यूज मिलता है जो आपका जो प्रोटेक्शन है वो करता है। यानी कि आप 10 एम्पियर से मेजर कर लोगे आपका कोई सर्किट, यानी कि या फिर आप इसको रॉन्ग कंडीशन पे डाल सेट करके मेजर करते हैं तो उधर आपको उस सर्किट को बचाना से। लेकिन दोस्तों, इस क्लैमीटर में आपको इतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। आप 10,000, 8,000 इतना अच्छा प्राइस पे भी जाओगे तो उतना अच्छा आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलता। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि 10 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो सर्किट का, यानी कि आप सिस्टम का जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डिजिटल मल्टीमीटर से डीसी हो, एसी हो, 600 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हैं, तो इसको आप हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, इसको नहीं। दोस्तों, आप आते हैं प्राइस के बारे में। दोस्तों, ये जो नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर है इसका प्राइस आपको मार्केट में वो योलो वाला है तो 150 रुपीज मिलता है, लेकिन दोस्तों आप अच्छे वाला किनोगे तो आपको 500 रुपीज में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्राइस है, ये प्राइस से आप 5 गुना प्राइस ज्यादा है मार्केट में। आप एसी डीसी का बात कर रहे हैं कि क्योंकि आपको डीसी और एसी मेजर करना है, तो क्योंकि दोस्तों ये जो प्राइस है इसका प्राइस 3000 से शुरू होता है, और ये जो एमटेक का है ये DT3060 है, तो इसका मैंने रिव्यू करके रखा है, 1800 में आपको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अपना प्राइस सब समय सेम नहीं रहता है, तो आप बार बार चेक करते रहे तो आपको मिल जाएगा। जो दोस्तों, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी मेजर करना, यानी कि हमारा जो एसी लाइन है और डीसी लाइन है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो इस मल्टीमीटर से आप फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्लैमीटर से आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता है मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा तो समझने में आसानी हो जाएगा। तक इतना ही। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल में हमारा ज्वाइन हो जाइए, तो उधर आप कोई भी क्वेश्चन आप हम लोग को साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।